हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक इजीली हो गया था। 3 जो है काफ़ी सिंपल है, आपको हल्का सा अपना माइंड यूज़ करना है। इन एनी पी विद यूजुअल नोटेशन, नोटेशन मतलब यहाँ पे दे दिया, एपी नहीं दिया यहाँ पे। विद यूजुअल नोटेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे ए है, मतलब ए को मतलब समझो ये फर्स्ट टर्म है, डी मतलब ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना कि ए क्या है डी क्या है, जानते हैं आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है। तो यहाँ पे यूजुअल नोटेशन का यूज कर दिया है कि डी मतलब डिफरेंस ही समझ जाना, ए मतलब पहला टर्म समझ जाना, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। अच्छा, तो एपी है, ये अलग अलग 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए का वैल्यू दिया है 5, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस दिया है 3 AN, ठीक है। जो एन टर्म वाला जो टर्म है वो 50 है, यन और एसएन फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, देखो इसमें जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना उसी का यूज करना है। कौन कौन से होते हैं, AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × D, SN इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2A+N-1 × D, या फिर SN इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में A+L, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले में से यही तीन फॉर्मूले घुमा फिरा के लगेंगे। इसमें से आपको देखना है क्या क्या आपको दिया है, क्या क्या आपको फाइंड करना है, कैसे कैसे आप फाइंड कर सकते हो इसी तीन फॉर्मूले का यूज करके कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद लगाइएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 5 दिया है, डी का वैल्यू 3 दिया है, ए एन का वैल्यू 50 भी गिवन है, ठीक है। एन का वैल्यू पूछ रहा है, एस एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो एन तो बहुत ईजी है, कैसे निकलता है एन निकलता है, ए एन दिया है ना, ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × D। मैंने कहा था ना कि ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा 9.3 में भी। तो इस फॉर्मूले में ए एन का जो वैल्यू दिया है वो अप्लाई कर देते हैं, ए का जो वैल्यू दिया है वो अप्लाई कर देते हैं, डी का वैल्यू दिया है वो अप्लाई करते हैं, एन का वैल्यू हमको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 एन, 3 × 3 − 3, फिर 50, फिर यहाँ पे इसको 5 में से 3 माइनस हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इधर आएगा 48 हो जाएगा, 48 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 16, एन का वैल्यू 16, ओके। अब एस एन पूछ रहा है, एस एन का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक चीज, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2A+N-1 × D। आप चाहो तो एस एन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एन आपको मिल ही गया, ए आपको मिल ही गया, एन आपको मिल ही गया, डी आपको मिल ही गया, डी यहाँ दिया है पहले से, डी दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दिमाग यूज किया है कि ए एन को ही मैंने लास्ट टर्म मान लिया है, क्योंकि यस एन पूछ रहा है, एन टर्म तक पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने ए एन मैंने मान लिया है कि आगे भी होगा, मे बी वो टर्म बहुत लंबा हो, वो ए पी बहुत लंबा होगा, बट उसने ए एन तक पूछा और मैंने मान लिया कि ए एन ही उसका लास्ट टर्म है, तो इसको मैंने एल का वैल्यू रख दिया, ठीक है, क्योंकि जहां तक पूछ रहा है। सपोज एक ए पी है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे, बट आपसे उसने पूछा कि सिर्फ यहां तक का सम निकालो, तो हमको इसके आगे से कोई मतलब नहीं है, वो गया, ठीक है, हमको सिर्फ यहां तक मतलब। तो क्या इसको हम लास्ट टर्म नहीं मान सकते, क्योंकि हमको यहीं तक का सम निकाला, इसको हमने एल का वैल्यू मान लिया, समझ में आया। तो 3 चीज मैंने यहां पर किया, ठीक है, ये रफ है। तो यहाँ पे L की जगह 50 रख दिया, A की जगह 5, हालांकि इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो में से किसी को ये यूज करना है सिंपली यूज कर सकते हो। N का वैल्यू 16 हमने फाइंड किया था, सब कुछ रखा तो फाइनली हमको SN मिल गया, SN मिल गया और N मिल गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको सिंपली उन सारे क्वेश्चन को वैल्यू रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी इज 5, बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ पे आपको ए और डी के फॉर्म में दिया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप में दे दिया है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट दे दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी इज 5, फर्स्ट टर्म ना, क्वेश्चन 4 देखो, हल्का सा हिंट भी दूंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 4 दिया, फर्स्ट टर्म 5 दिया है, मतलब ए का वैल्यू 5, लास्ट टर्म 45, लास्ट मतलब एल का वैल्यू 45, सम 400 मतलब एस एन का वैल्यू 400, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एन का वैल्यू पूछ रहा है और डी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जानते हैं एस एन दिया है, देखो ये वाला टर्म दिया है, ये वाला इसका वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे दिया है,
एन तो निकालना है, ए दिया है, देखो एल एल दिया है, तो सब अप्लाई करोगे तो एन मिल जाएगा। जब एक बार एन मिल गया तो फिर फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ठीक है, हम इसको ए एन मान लेंगे, हम मान लेंगे कि यही हमारा एन टर्म है और ए एन है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हमने ए एन मान लिया, ए एन की प्लेस की सूरत देंगे, और ए प्लस एन माइनस वन, ए हमको पता है, एन हमको पता है, ठीक है, ये इनका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रखेंगे और 40 मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर लेंगे, तो ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350। ठीक है, मैं हल्का सा हिंट दूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन 5, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मीन्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म एल का वैल्यू दिया हुआ है 350। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस 9, डी का वैल्यू दे दिया है 9, सब कुछ दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म होंगे, टर्म मतलब क्या, एन टर्म एन का वैल्यू, एंड व्हाट इज द सम एस एन का वैल्यू, क्या फाइंड कर लेंगे आप, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ईजी क्वेश्चन है, 6 कैसे होगा, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक ए पी है 1 प्लस, इसको सम किया जा रहा है, 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स। क्या एक्स लास्ट टर्म नहीं है, तो क्या ये एल का वैल्यू नहीं हो गया, एल का वैल्यू हो गया, यहाँ पे 287 दिया हुआ है, तो क्या ये एस एन नहीं हो गया, कितना हो गया 287। ठीक है, एस एन हो गया, एल हो गया, ए क्या ए पता है हमको, बिल्कुल 1, क्या डी पता है हमको, बिल्कुल 1 से 4 ज़्यादा 3 होगा। ठीक है, तो सब कुछ दिया है, हमको सिर्फ एल फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो कर लेंगे, तो 6 क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया है, ये 1 है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ तक, इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।